है ना, कि मॉल में कुत्ते गाली बिल्ली नहीं के साथ है। पकड़ा जा रहा है, हाँ ये तो गाली पकड़ा नहीं जा है। रहा है ना, ये गाली कौन नहीं नहीं है, पकड़, ये औरतें सच्चाई नहीं है। पकड़ी जा रही है, औरतें मैंने नहीं तो नहीं पकड़ी जा देखा रही कोई है। औरत को, मैंने किसी औरत को नहीं देखा कुत्ते बिल्ली के साथ पकड़ी गई हो। आप अजीब बात कर आपने रहे नहीं हैं। देखा किसी को, आप, मैंने नहीं देखा आपने आपके, नहीं देखा आपने किसी को, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं आप देखा। कसम खाकर कह सकती हैं कि आपने नहीं देखा। मैं बिल्कुल कसम खा के कह सकती हूँ कि आप मैंने अपने नहीं बच्चों की देखा। कसम खाकर कह सकती हैं। मेरे भाई बात हो, हर चीज औरत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? ये अगर मर्द जो है यहाँ पे चार शादियां कर रहा है तो औरत को क्यों ये हक नहीं दिया गया? अगर आप कहते हैं कि जी बच्चों का पता नहीं लगेगा तो डीएनए टेस्ट किस लिए है? आप ऐसा देखना है तो इतना वीडियो स्किप करो, सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचो। तो आपको पता होगा इन मौलाना साहब के साथ, इस मौलाना के साथ स्पेशली आरजू काजमी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 72 हुरों को लेकर सवाल पूछे गए थे। अब ये उसका पार्ट टू है, मतलब मौलाना ने अब बहुत सारी दलीलें पेश की हैं और शायद अब बात नेक्स्ट लेवल पर गई है। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है, आप प्लीज़ वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में मिलता हूँ, चलिए वीडियो को देखते हैं। की बात हो, हर चीज औरत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? ये अगर मर्द जो है यहाँ पे चार शादियां कर रहा है तो औरत को क्यों ये हक नहीं दिया गया? अगर आप कहते हैं कि जी बच्चों का पता नहीं लगेगा तो डीएनए टेस्ट किस लिए है? आप अगर नए जमाने में जा रहे हैं तो नए जमाने को एक्सेप्ट भी करें। मैं ये नहीं कह रही कि कोई औरत चार शादियां करना चाहती है या कोई 72 मर्द चाहती है, लेकिन आप लोग अपने लिए तो हर चीज बता रहे होते हैं कि सब कुछ जायज है क्योंकि आप मर्द हैं। आपको 72 हुरे भी जायज हैं, आपको चार शादियां भी जायज हैं, लेकिन औरत के ऊपर सारी शर्म और सारी गैरत औरत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? और औरतें, औरतों को आप कहेंगे कि पर्दा करें, अबाया पहने, बुरके पहने, और मर्द ऐसे ही घूमे क्यों? मर्द, मर्दों को भी पर्दा करना चाहिए। बहुत से मर्द भी अच्छे गुड लुकिंग होते हैं तो औरतें भी देखती हैं, तो इसका मतलब है कि आंखें, आंखों पर पट्टी लगा लें। और आप इतने सालों पहले की चीज अगर अभी आप चाहते हैं अप्लाई हो, आज भी अप्लाई हो, तो फिर आप लोग हज उमरे के लिए ऊँट तो भी क्यों नहीं जाते? आप क्यों काफिरों के बनाए हुए जहाज पे सफर करते हैं? बड़ी अजीब बात, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आप इस्लाम को इस्लाम के नजरिए से देखिए, इस्लाम को अपने जहन के नजरिए से मत देखिए। अगर आप इस्लाम को अपने जहन के नजरिए से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सवाल करने को मिल जाएंगी और जो आप कर भी रही हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप चाहेंगे कि दुनिया के अंदर आपके चार शोहर हो? बताइए मुझे, आप चाहेंगे? नहीं, मैं क्या चाहूंगी वो बात नहीं है। बात ये है कि ये हक नहीं नहीं आपको नहीं नहीं दिया नहीं गया नहीं है, गलत आप है ये। बताइए, मर्दों अगर को भी नहीं आपको, देना नहीं नहीं चाहिए। नहीं 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 ये गलत बात है, ये तो हसद का आखिरी दर्जा हो गया कि साहब अगर मेरे पास नहीं तो फला के पास भी नहीं होनी चाहिए, उसके नहीं, ये पास क्या क्यों बात है, है? ये ये तो कोई सिर्फ बात नहीं राइट हुई। की बात है मौलाना साहब, ये नहीं राइट की नहीं बात राइट, है। देखिए मर्द औरत को एक जैसा मैंने कुरान, हुकूक दिए गए हैं, मर्द औरत को एक जैसे हुकूक होने चाहिए। आप कुरान सुनिए, कुरान को आप मानते हैं, कुरान का मानते हैं, आप शायद जी मुसलमान हैं, जी शायद नहीं अभी तक जहाँ हूं। नहीं, मैं आपके नाम से जान पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी हिस्ट्री पूरी नहीं जानता। आप जी मुसलमान हैं, जी आप कुरान को मानती हैं, जी जी कुरान को तो बिल्कुल मानती हैं, जी नबी को भी मानती हैं, जी तो कुरान जिस राइट को मर्दों को दे रहा है उसको इनकार कैसे कर सकते हैं आप, मुझे मैं बताइए आप। समझती हूँ रिफॉर्म्स होनी चाहिए इस्लाम में। जो नहीं नहीं चीज नहीं गलत नहीं है वो गलत है। ये आप जो आप कह रहे थे सुनिए, कि, आप सुनिए, आप जो कह रहे थे कि जन्नत, हम खुदा को देखने के लिए जाएंगे तो वो 72 हूरें क्या उन्हें क्या राखी बांधने वाले हैं? राखी तो नहीं बांधेंगे ना उनको, तो ये तो कोई सुनिए तरीका वो नहीं मैं है बता मतलब जो आप बता रहे। जी मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, फिर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मेरा नऊज बिल्ला या किसी का बनाया हुआ कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम का मतलब यह है कि जो कुरान के अंदर मौजूद है वो मेरे लिए और हर मुसलमान के लिए हर्फ आखिर है। अगर कोई उस पर उंगली अंगुष्ठ नुमाई करता है, रिफॉर्म का मतलब आप नहीं समझ रहे उस चीज को, रिफॉर्म मैं नहीं समझ पा रहा हूँ रिफॉर्म किस चीज का नाम है। रिफॉर्म का मतलब ये होता है जायज चीजों में अगर कोई गुंजाइश है, जायज चीजों में अगर कोई गुंजाइश है तो उस पर मुफ्तियाने कराम बैठे, उस पर उलमा का एक तबका बैठे और उस पर बात करे। अगर उसमें कोई गुंजाइश नहीं, मुज्तहिदीन पहले जमाने में थे, आज मुज्तहिदीन नहीं है। आज हर आदमी आपकी तरह मेरी तरह दीन को अपने मुताबिक ढालना चाहता है, दीन को अपने मुताबिक चलना चाहता है,
दीन को अपने मुताबिक चाहता है कि दीन मेरी मर्जी के मुताबिक हो, मैं दीन के मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी ना गुजारू। ये सबसे बड़ी कमी है। जब हम अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, तो हमें अल्लाह की बात भी माननी पड़ेगी और कुरान की बात भी माननी पड़ेगी। और कुरान ये कहता है कि मर्द के लिए अल्लाह ने इजाजत दी है 4 शादियों की, औरत के लिए नहीं है। तो फिर इसमें आप एक सवाल ये जोड़ दें कि साहब मेरे लिए क्यों नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, समझ लीजिएगा इसको, आपको शायद समझ में आ जाएगी। जब हम वजू करते हैं नमाज के लिए, तो हम पहले हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी देते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, उसके बाद में पैर धोते हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से ये बताइए कि इन चीजों के धोने में निजासत जहां से निकलती है उसका तो कोई दखल नहीं है, ना उस जगह को धोया गया, ना उस जगह का कोई ताल्लुक है वजू करने में। मुंह धोया, हाथ धोया, पैर धोए और वजू हो गया। लेकिन अगर हवा निकल जाए या हम पेशाब कर लें या पखाना कर लें तो वजू टूट जाता है। ये तो बात अकल में नहीं आती कि साहब हाथ ने क्या कसूर कर दिया बेचारे ने, जो सर्दी के वक्त में अभी तो इसको धोया गया था, इसको फिर धोना पड़ेगा वापस। मुंह को अभी धोया गया था, फिर इसको धोना पड़ेगा वापस। तो इससे पता ये चलता है कि दीन अकल का नाम नहीं है, दीन नकल का नाम है। यानी जो कुरान में है वही दीन है। अल्लाह के रसूल ने और अइम्मा मुज्तहिदीन ने जो हमें बता दिया कि साहब मसला ये है कि अगर आपने सर्दी के वक्त में बिल्कुल ठंडे पानी से वजू किया और आपने इस्तंजा कर लिया, पेशाब कर लिया, पखाना कर लिया, आपकी हवा निकल गई या खून या पीप निकलकर आपके जिस्म से बह गया, तो आपको वजू दोबारा करना पड़ेगा। ये मसला है, ये हमें मानना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं मान रहे तो फिर इसका मतलब ये है कि हम दीन को नहीं मान रहे, हम कुरान को नहीं मान रहे, हम हदीस को नहीं मान रहे। फिर हमारा ईमान कितना मजबूत है, हम मुसलमान कितने बड़े हैं, हम मुसलमान हैं भी या नहीं, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। जो है वो अकल नहीं है, अकल तो बहुत सारी चीजों को अप्लाई नहीं करती। अब दूसरी चीज एक ये, जब आदमी खाना खाता है तो सबसे पहले लुकमा यहां आता है, यानी हमारी नाक उसको सूंघती है। अल्लाह ने इस तरतीब से हमारे मुंह को, नाक को और आंखों को बनाया है कि जब कोई चीज सामने आए तो हम उसको देखकर, सूंघकर और जबान के जायके से समझ लें कि ये अच्छा है या बुरा है। अल्लाह ने ये तरतीब बनाई है। लेकिन अगर कोई आपके जैसा आदमी है, मेरे जैसा आदमी ये कहे कि साहब नाक का तो सूंघने का काम है, ये यहां क्यों है, ये तो यहां भी हो सकती थी, इसको यहां क्यों नहीं लगाया, तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारी अकल उसको मान कहती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ने बनाया है। अब देखिए आप लोग कहते हैं, बड़े धड़ाले से कहते हैं, बड़े तमतराक में आके कहते हैं आप लोग कि साहब मर्द औरत बराबर है। कैसे कैसे बराबर है भाई मर्द औरत? अगर मर्द औरत बराबर है तो अल्लाह ने मर्द को मर्द, औरत को औरत क्यों बना दिया? फिर सबको मर्द ही बना देता या सबको औरत ही बना देता? ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है कि साहब मर्द औरत बराबर है। कैसे बराबर है भाई? अल्लाह ने मर्द के हुकूक अलग रखे हैं, औरत के हुकूक अलग रखे हैं, शोहर के हुकूक अलग हैं, बीवी के हुकूक अलग हैं। ये कह देना कि साहब हम तो बराबर हैं, हाँ ये अलग चीज है कि कुरान में अल्लाह ने औरत को भी उतने ही हक दिए हैं। अगर शोहर को अल्लाह ने तलाक देने का हक दिया है तो औरत को भी कहा है कि खुला लेने का हक आपको भी है। अगर शोहर को इमाम इजाब व कबूल से पहले 3 आदमी जाओ और उस लड़की से इजाजत लेकर आओ जिस लड़की का तुम निकाह पढ़ाने जा रहे हो, वो राजी भी है कि नहीं? ये सारे हुकूक अल्लाह ने औरत को भी दिए हैं। ये कह देना कि साहब औरत मर्द बराबर है, मैं समझता हूं उस आदमी से बड़ा, टीवी पर आकर आपने कह दिया कि कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ और उसके साथ ये, फिर मैं आपसे कहूंगा जैसे मैंने आपको एक मैसेज किया था कि आप दीन का और मुसलमान का मजाक उड़ाना चाहती हैं और आप उड़ा रही हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ मौलाना साहब, ये सच्ची बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। औरतें कुत्ते बिल्लियों के साथ नहीं पकड़ी जाती? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। आप नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ मैं इस किस्म की वीडियो देखता हूँ, आप कहाँ पहुँच गई? फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं?
मैंने तो नहीं देखी है ये औरतों की ऐसी आपके जहन की अक्कासी, वीडियोस। ये लेकिन आपके, लेकिन देखिए मेरी माफ बात कीजिएगा, ये सुनिए, आपके देखिए जहन की मैं अक्कासी, आगे ये आपके जहन की अक्कासी है कि आपका जहन कहां तक जा सकता है। मैंने नहीं कहा कि मैंने नहीं कोई वीडियो देखी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप औरत भी गलत कामों में पकड़ी जाती है, मर्द भी नहीं गलत कर कामों में सकती पकड़े है, जाते हैं। कर सकती है, लेकिन मैं आपसे ये कह कर रही हूँ, रही गलती है, तो खैर कोई कर भी कर सकती नहीं, सकता कर है, रही है, मोहतरमा हो कर सकता, रही कर है, रही हूँ डांस नहीं, बार कर खुले रही हूँ हुए नहीं, हैं, कर रही हूँ नहीं, तवाइफों कर के रही अड्डे हूँ खुले नहीं। हुए हैं, तवाइफों के अड्डे खुले हुए हैं, बाजार है बाकायदा इस काम के। आप ऑनलाइन चले जाइए, और आपको वो दस तो तरह के ऑनलाइन ऑफर जाने मिल की क्या जाएंगे, औरतें जरूरत कर है रही हैं मौलाना, मौलाना और कर साहब, रही हैं। तो एक सेकेंड मौलाना साहब, ये आप क्यों जब पाकदामन से साबित करना दुनिया चाहते हैं में, अपने नहीं आप को, मेरी बात, और मैं हमें नहीं कह क्यों रही किसी क्यों को, गाली देना चाहते हैं? मैं किसी को गाली नहीं दे रही, नहीं, मेरी मौलवियों बात को सुनिए, आपने पहले मेरी सेगमेंट बात में भी सुनिए, गालियां दी मौलवियों को, नहीं, मैंने कोई गालियां नहीं आपने दिया, मेरी पहले बात सुनिए, सेगमेंट में भी हाँ मेरी गालियां दी बात मौलवियों, सुनिए, और मेरी खास मेरी तौर से बात सुनिए, नाम लेकर आपने मेरी मौलाना तारिक मैं जमील को कहा, फला को, आप माफ जो कीजिएगा, बात है ऐसी मैं वो बातें बात टीवी शो में करूंगी मत, ना, टीआरपी के लिए मत कीजिए, ये सिर्फ टीआरपी टीआरपी के के लिए लिए मैं आप कुछ करते नहीं हैं। कर रही, आप जवाब मौलवियों को दीजिए गाली ना, देना आप आप लोगों का पेशा मैंने है, कौन सी गाली दी है, मैंने कोई ये गाली गाली नहीं दी दे रहे हैं ना है, आप कि मौलवी ये कुत्ते गाली बिल्लियों के नहीं साथ है, पकड़ा जा रहा है, हाँ ये तो गाली पकड़ा नहीं है। जा रहा है ना, ये गाली कौन नहीं नहीं है, पकड़, ये औरतें सच्चाई नहीं पकड़ी है, जा रही हैं, औरतें मैंने नहीं तो नहीं पकड़ी जा देखी रही हैं। को औरत को, मैंने किसी औरत को नहीं देखा कुत्ते बिल्ली के साथ पकड़ी गई हो, आप अजीब बात कर आपने रहे नहीं हैं, देखा किसी को, आप, मैंने नहीं देखा आपने नहीं आपके, देखा आपने, किसी को, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं आप देखा, कसम खाकर कह सकती हैं कि आपने नहीं देखा? मैं बिल्कुल कसम खा के कह सकती हूँ कि आप मैंने अपने नहीं बच्चों की देखा, कसम खाकर कह सकती हैं, मेरे बच्चे अपने बच्चों नहीं की कसम है, खाकर कह सकती हैं, मेरे बच्चे नहीं शोहर है की कि मैं कसम खा कसमें सकती खाऊं, हैं, मैं शोहर की सबकी कसम कसम खा खा सकती के, हैं, मैं हाँ बिल्कुल माँ कसम खा बाप के की कह रही कसम हूँ खा सकती हैं सबकी, कि मेरे मैंने मामा भी औरत को नहीं कुत्ते है, बिल्ली के साथ नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, आप अजीब अगर बात कर मुसलमान रहे हैं हो, अल्लाह की कसम खा लीजिए, बिल्कुल जी अल्लाह की कसम भी खा सकती हूँ, मैंने नहीं देखा ये तो नहीं क्या देखा, मैं बात, कोई डरती कौन नहीं से हूँ, जमाने, या आप तो देखते नहीं, होंगे सुनिए मौलाना साहब ऐसी वीडियोस, सुनिए, आप देखते होंगे, मैंने नहीं देखी, मोहतरमा मैंने तो वो बता रही मोहतरमा, हूँ जो मैंने सोशल नहीं, मीडिया पर आई हुई है, लेकिन खैर फिर आप आप उसे इल्जाम आगे लगा रही बढ़ने हैं, दीजिए, आप फिर आप इल्जाम आप लगा रही इल्जाम हैं, लगा रहे हैं, आप फिर जिद आप कर मेरे रहे ऊपर हो मुझे, इल्जाम है कि आप एक ऐसी भी जब वीडियो मैंने देखते हैं नहीं वैसी वीडियो, देखी, भाई नहीं, नहीं माफ तो कीजिएगा, नहीं, नहीं गलत, नहीं 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 आप मेरी बात बिलबिलाइए मत, सुनिए, आप हाँ बिलबिलाइए नहीं मत, नहीं मैं बिलबिला नहीं रही हूँ, आप ना सच को बिलबिलाइए, सुनने का मादा, नहीं, मैं सच को सच सुनने का सुन मादा रही भी रखें, हूँ, सच आप भी तो सुनिए ना, आप आगे सुनिए। बढ़िए, आगे बढ़िए, हाँ, मैं आपको आपकी वीडियोस, मुस्कुराहट मैं गायब हो किसी गई, से मेरी कहकर, मुस्कुराहट मैं झूठी तो है, किसी, मेरी मुस्कुराहट भी उधर ही है सर, मेरी मुस्कुराहट नहीं गायब होती, मैं आपको नहीं, सिर्फ आपकी ये गायब हो बता गई, रही मेरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह झूठी तो है। हाँ जी, किधर बताइए, है आपकी अगला सवाल कीजिए, मुस्कुराहट, हाँ बिल्कुल अगला अगला सवाल सवाल कर कीजिए रही हूँ, जी। ये आप एलिगेशंस नहीं लगा रहे हैं और इस तरह से, मैंने वाकई नहीं देखी वीडियोस, अगर आपके नहीं पास है तो भेज दिएगा मुझे, मैं देख लूंगी, मैं खैर नहीं एलिगेशन लगा रहा हूं, मैं नहीं, अच्छा मेरी बात सुनिए, सुना, आपने तवाई खाने कहा में, सुनिए सुनिए ये सुनिए सुनिए, तवाई तवाई खाने खाने तो में मौलाना साहब जब से दुनिया बनी है तब से किसने चल खोल रहे रखे हैं, हैं, ये तो हमेशा कौन से कह चल रहा रहे है, हैं, जब से दुनिया कौन बनी कह तब रहा से है, चल रहे हैं, आपकी सब कह मालूमात रहे कम हैं, है, आपकी मालूमात कम है, हाँ आपकी ज्यादा होंगी बिल्कुल, मेरी मालूमात कम है, आप किसी ये यूरोप की देन है, ये यूरोप की देन और है, आज आज अगर यूरोप वाले ये ऐलान कर दें कि हम वीजा दे रहे हैं तो सारे मोमिन जो है जाके वीजा लगवा लेंगे उसी यूरोप का जिसका आप अल्हम्दुलिल्लाह कह मैं रहे नहीं हैं जाऊंगा, कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुरा नहीं है, जाऊंगा, आप चलें ऑफर कराइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं ठीक है, जाऊंगा, सी मेरी कौन सी मैं बात चलती शैतानों के है पास ही नहीं मौलाना जाता, साहब, मैं ठीक, शैतानों के पास लेकिन नहीं जाता लेकिन शैतानों की चीजें आप यूज जी, करते हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, वो सब भी तो काफिरों की देन है, उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, आप बताइए ना मुसलमानों ने क्या इजाद किया, इसमें से कोई चीज मैं बता जवाब दीजिए मुझे, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो में आपने देखा अरजू काजमी मौलाना से वही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रही थी, आपको भी पता है कि आप इस तरीके के सवाल स्पेशली भारतीय मौलाना से पूछेंगे जो कि पाकिस्तान के मौलाना से भी ज़्यादा कट्टर होते हैं मेरे हिसाब से। इस मौलाना का एक स्टेटमेंट था कि जैसे ही मुसलमानों के हाथ में सत्ता आएगी राम मंदिर की जगह पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, इसका स्टेटमेंट है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, पढ़ा हुआ है स्टेटमेंट। तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनका माइंडसेट कैसा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा टीवी पर आए हैं, काफ़ी एक्सपोज हो चुके हैं, ये लोग इवन वंदे मातरम तो छोड़िए जनगण मन में भी खड़ा होना नहीं चाहते, राष्ट्रगान में भी खड़ा नहीं होना चाहते, इस तरीके का माइंडसेट है, इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरीके की बातें कर दे तो आप समझ सकते हो। अब इनसे आप मतलब इनसे बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, इस तरीके की बातें हैं गाइज। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल कुत्ते बिल्लियों के साथ और ये वो फलाना ठिकाना, इस तरीके की बातें हो गई कि ये वीडियो देखने के बाद मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया था।
तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।